वैसे तो आपने अरबी बहुत अलग अलग तरीके की बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ अरबी बनाने का एक बहुत ही यूनिक और नया तरीका। तो एक बार आप इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु, कुर्मी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अरबी। तो इस रेसिपी में हमें थोड़े बड़े साइज के ही अरबियों का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर गैस पर मैं चढ़ाई हूँ एक बर्तन पर पानी। इस पर रखूंगी ये जाली वाला प्लेट। इस पर हम सभी अरबियों को रख देंगे एक एक करके। अगर आपके पास इस तरीके का जाली वाला प्लेट नहीं है तो आप इडली स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें 10 मिनट के लिए अरबियों को भाप में पकाना है, या फिर आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सभी अरबियों को इस तरीके से जाली वाले प्लेट पर रखकर फ्लेम को हाई कर 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी ढक्कन लगाकर। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे अरबी पकी है कि नहीं। तो यहाँ पर ढक्कन हटाकर मैं चाकू की सहायता से इसे चेक करूंगी। अगर चाकू आराम से अरबियों के अंदर चले गए हैं, इसका मतलब है अरबी अच्छे से पक गए हैं। गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़े देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर थोड़े देर ठंडा होने के बाद अरबियों को हम छीलेंगे। अरबी अभी आसानी से छिलकर तैयार हो जाएंगे। अगर अरबी अच्छे से पके हुए हैं तो जो छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से स्टीम पर नहीं पकाना चाहते हैं तो आप इसे एक कुकर पर डालकर एक सीटी आने तक भी आप इसे पका सकते हैं, लेकिन अरबियों को बहुत ज्यादा ना पकाएं। अगर अरबियां बहुत ज्यादा पक जाएगी तो ये रेसिपी नहीं बनेगी। और बहुत लोगों को शिकायत होती है जो अरबी होता है उसे छीलते वक्त हाथों में खुजली होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भाप पे पकाएंगे तो अरबियों को जब छीलेंगे कभी भी आपको खुजली नहीं होगी। तो यहाँ पर सभी अरबियों को छीलकर मैं तैयार कर ली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी नई नई रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। अभी यहाँ पर मैं रखूंगी गैस पर तेल। तो कढ़ाई पर मैं रखी हुई हूँ तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस पर मैं सभी अरबियों को डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक साथ ही पूरे अरबियों को इस पर डाली हूँ। अगर आपके पास थोड़े ज्यादा अरबी हैं तो आप दो बार में इसे फ्राई कर सकते हैं। अभी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के अरबियों को फ्राई करना है। तो मैं सभी अरबियों को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक के इसे फ्राई करूंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जैसे ही अरबी डालेंगे तो तुरंत ही चम्मच ना चलाएं। तुरंत चम्मच चलाने से जो अरबी है वो टूट सकते हैं। तो जब बबल्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे उसके बाद ही आप इस पर चम्मच चलाएं, और अलट पलट कर इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक के सेक लीजिए। फ्रेंड्स, मेरा एक ब्लॉग का भी चैनल है। आप अभी तक के मेरे ब्लॉग वाले चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो एक बार आप उस लिंक पर जाकर जरूर क्लिक करें। यहाँ पर जो अरबी है वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इसे बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं सभी अरबियों को तेल से निकाल ली हूँ। ये जो अरबी है ये अभी भी गर्म है, तो इसे गरम गरम पर ही हमें दबाना है। तो इसके लिए एक अरबी को इस तरीके से ले, और यहाँ पर ये जो कटोरी का पीछे वाला हिस्सा है इसे मैं अरबियों को दबाऊंगी हल्के से, बहुत ज्यादा ही प्रेस नहीं करना है। आप इसी तरीके से ग्लास के पीछे वाले हिस्से से भी दबा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अरबियों को मैं इस तरीके से प्रेस करी हूँ, क्योंकि हमने भाप में भी पकाया था तो अरबी है वो पक गए थे, और अभी फ्राई किए हैं उसकी वजह से भी अरबी अच्छे से पक गए हैं। तो अरबी इस तरीके से अच्छे से दब जाएंगे। तो अभी सभी अरबियों को मैं इसी तरीके से दबाकर तैयार करूंगी। तो सभी अरबियों को मैं इस तरीके से दबा ली हुई थी। अब फिर से हमें इसे एक बार फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं इसे साइड पर रखकर जो तेल हमने फ्राई करने में स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया था उसे फिर से गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ाऊंगी। अब यहाँ पर हम अरबियों को फिर से फ्राई करेंगे। तो अभी जब आप फ्राई करेंगे तो अरबियों को 3 से 4 ही डालें एक बार में, बहुत ज्यादा अरबी एक साथ फ्राई ना करें। अभी हमें यहाँ पर अरबी को कुरकुरा होने तक के फ्राई करना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है इसमें अरबी बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और अंदर से उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट होती है।
जो थोड़े थोड़े करके अरबियों को फ्राई करें। यहाँ पर मैं अरबियों को डालने के बाद अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से कुरकुरे होने तक के इसे सेक ली थी। फ्रेंड्स आप देखेंगे इसे जब सेकेंगे सेकंड टाइम में तो ये जब कुरकुरे हो जाएंगे तो इससे आवाज आएंगे। जो छोटी अरबी होगी वो जल्दी से फ्राई हो जाएगी और जो बड़ी है उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो अरबियों के साइज है वो एक समान नहीं थे। तो अभी एक बैच फ्राई हो गया है, मैं सेकंड बैच को भी इसी तरीके से तेल पर डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक ये फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स अगर आपके घर पे बच्चे अरबी खाना पसंद नहीं करते हैं तो एक बार आप इस रेसिपी को इस तरीके से जरूर बनाइए, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। तो इसी तरीके से मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर ली थी। ये सभी अरबियां फ्राई हो गई है और बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है। अब हम मिलाएंगे इस पर थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर मैं एक बाउल पर ली हूँ लाल मिर्ची का पाउडर। यहाँ पे तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची का इस्तेमाल ना करें। अभी इस पर मैं डालूंगी भुने हुए जीरे और अजवाइन का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में ही डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला भी आप थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिए। और फिर डालेंगे नमक। तो नमक देख कर डालेंगे क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। अभी इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिलाकर इसे अरबियों के ऊपर डाल दूंगी जो फ्राइड अरबी है उनके ऊपर। फ्रेंड्स आप इस पर सिंपल नमक डाल के भी या सिंपल चाट मसाला डालकर भी बच्चों को दे सकते हैं। या अगर आपको टिफिन के लिए सूखी सब्जी चाहिए तो आप एक बार इसे जरूर बनाइए। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। इस तरीके से सभी अरबियों में मसाले को मिलाइए जैसे कि मैं वीडियो में मिला रही हूँ। ये मसाला अरबी बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बाहर से इतना क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और मुझे इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर करिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ कमेंट भी जरूर करें। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।